हेलो बच्चों। हेलो टीचर। पिछले वीडियो में हमने एक्शन वर्ड्स देखे। यस। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स के सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। जी हाँ सर। तुम पढ़ो, तुम्हारे पास ये कौन से लेटर्स हैं, पढ़ के बताओ। लुकमान। मेरे पास पहला वर्ड आई है, आई, दूसरा वर्ड वी है, वी, तीसरा वर्ड यू है, यू, चौथा वर्ड ही है, ही, पांचवा वर्ड शी है, शी, छठा वर्ड इट है, इट, छठा वर्ड दे है। उसके बाद क्या है, दे है। तो आई शी ई वी दे इट यू, इनको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बोलते हैं इनको, प्रोनाउन। जो नाउन की वजह यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। मायरा ठीक है, अब तुम पढ़ के बताओ ये क्या है। ये ए है, एल है, एन, सम, ये अ फ्यू और मेनी। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड है, मेनी मतलब बहुत ज्यादा, अ फ्यू मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, एन मतलब ये एक आर्टिकल है और ए भी क्या है, एक आर्टिकल है। तो हमारे पास प्रोनाउंस आ गए, कुछ आर्टिकल्स और कंजंक्शंस आ गए। तुम बता लोकमान पढ़ के ये क्या है। मेरे पास पहला वर्ड फाउंड है, फाउंड, फाउंड मतलब मिल गया। दूसरा वर्ड सॉ है, सॉ, सॉ मतलब देखा। तीसरा वर्ड गुड है, गॉट, गॉट है, तीसरा वर्ड गॉट है, गॉट यानी पा लेना, मिल जाना। चौथा वर्ड एट है, एट, एट मतलब खा लिया। पांचवा वर्ड टोक है, टुक, टुक ठीक है लेना। छठा वर्ड गिव है यानी देना। तो ये जो वर्ड है इनको बोलते हैं वर्ब, जिसे किसी काम करने का पता चलता है ये वर्ब है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या है हमारा, पढ़ो। ये पेंसिल है। ओके, पेंसिल, पेंसिल्स है। ठीक है, पेंसिल्स, ये एक पेंसिल है और ये बहुत सारी, ये सिंगुलर और ये उसका प्लूरल है। ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंजेस, ये मतलब ऑरेंज और ऑरेंजेस का प्लूरल। ये टाइगर है, टाइगर, टाइगर से बहुत अच्छे। तो अब हमको क्या करना है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए अब हमको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, अब हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं उसमें से देखते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। तो हम लेते हैं यू। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है लुकमान, तुम्हारा क्या होता है, तुम ठीक है, तुम। उसके बाद क्या लेंगे, यू के बाद लेते हैं हम, देखते हैं हमारे वर्ब में से क्या लेंगे, हम लेते हैं स्मे, गिव ले लेते हैं, गिव पर आ गया, गिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया यू गिव मेनी ऑरेंजेस, है ना। जी हाँ जी हाँ। इसका क्या मतलब हुआ कि तुमने बहुत सारे ऑरेंजेस दिए। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस को हटाते हैं और देखते हैं पीछे क्या है, ऑरेंज। अच्छा रखो ऑरेंज को। अगर ये सेंटेंस पढ़ के देखो कैसा लग रहा है, पढ़ो लुकमान। यू गिव मेनी ऑरेंज, बट मेनी और ऑरेंज जम रहा है क्या यहाँ पर? नहीं जम रहा है, क्योंकि ऑरेंज तो एक है और मेनी तो बहुत ज्यादा होते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेनी को चेंज करना पड़ेगा। हम मेनी की जगह क्या लिख सकते हैं, अ फ्यू। नहीं, अ फ्यू भी लेंगे तो ये लगेगा, सम भी नहीं आएगा, सम के बाद भी प्लूरल आता है, एन आएगा। क्यों एन आएगा, क्योंकि ऑरेंज ओ से स्टार्ट होता है और ओ से स्टार्ट होने से पहले आर्टिकल क्या लगता है, एन। अब पढ़ के देखो मायरा, पढ़ो। ऑरेंज, तुमने एक ऑरेंज दिया, वेरी गुड। चलो अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, अब यू को हटाते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं वी कहाँ पर है, ही को रखते हैं या शी को रखते हैं। अब देखो, शी गेव एन ऑरेंज, ये भी हमारा सेंटेंस बन गया, है ना। हमने क्या चेंज किया यहाँ पर, सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया और हमारा यहाँ पर सेंटेंस बन गया। इसी तरह से हम शी की जगह ही भी लगा सकते हैं। चलो ठीक है, अभी दूसरा प्रोनाउन लेते हैं, वी देखते हैं, वी, हाँ वी मिल गया। अब देखते हैं दूसरा हमें क्या मिलता है, वर्ब देखते हैं, गियो है, टुक है, एक मिनट, एट है, ऐसे भी ले सकते हैं, वी एट एन ऑरेंज, हम सब ने एक ऑरेंज खाया। देखा तुमने,
सिर्फ एक एक वर्ड अगर हम बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर बदलता जा रहा है। ठीक है, एट के बजाय दूसरा रखते हैं, हम क्या ले सकते हैं, वी गॉट, ये भी सेंटेंस बन जाएगा, वी गॉट एंड ऑरेंज, हमको एक ऑरेंज मिला, है ना? जी हाँ। हाँ, वी सॉ एन ऑरेंज, ये भी सेंटेंस सही है कि हमने एक ऑरेंज देखा, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं, ऑरेंज को हटाते हैं। हाँ, वी सॉ अ टाइगर्स, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अ है और यहाँ पे टाइगर्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइगर्स की जगह पे कुछ और लेना पड़ेगा। हाँ, ये है, वी सॉ अ पेंसिल, हमने एक पेंसिल देखी, है ना? आसान कि किस हाँ। तरह से एक ही वर्ड को हटाने से हमारे कई ज्यादा सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब तुम क्या करो लुकमान, तुम हटाओ कोई भी एक वर्ड उसमें से और दूसरा वर्ड बनाने की कोशिश करो। क्या हटा रहे हो तुम, प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन ले रहे हो तुम, दे। ओके ठीक है, देखते हैं, पढ़ो सेंटेंस क्या बना, दे दे। अच्छा तुम सौ को भी हटा रहे हो, ओके ठीक है रखो। हाँ ओके, तुम क्या रख रहे हो, तुम्हारे दिल से गिव, दे पढ़ो अब क्या बना, दे गिव अ पेंसिल, गुड, उन सब ने क्या दी, एक पेंसिल दी, है ना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ओके मायरा तुम हटाओ, कोई कुछ भी हटाओ तुम्हारे दिल से। अच्छा पढ़ो सेंटेंस, देखो क्या बनता है, दे गिव ए ऑरेंज, ऑरेंजेस है, यहाँ पे ऑरेंजेस बनेगा क्या? नहीं नहीं, क्योंकि ऑरेंजेस से पहले हमको आ नहीं लगेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैनी, गुड वेरी गुड, अ को हटाकर मैनी लगाना पड़ेगा। अब पढ़ो मारा, पढ़ो जोर से, दे गिव मैनी ऑरेंजेस, बहुत अच्छे, दे गिव मैनी ऑरेंजेस, उन लोगों ने बहुत सारे ऑरेंजेस दिए। इस तरह से हम अलग अलग चीजें बदलकर कई ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। आया समझ में? जी हाँ। ठीक है।